महाराष्ट्र ने एसटी से मजदूरों को महाराष्ट्र के बॉर्डर तक तो छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मजदूर जो है मुंबई नगरी में है, और मुंबई नगरी से एक भी एसटी बस उन्होंने मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र के बॉर्डर तक नहीं जा रही है। जो भी बसें जा रही हैं वो थाना से जा रही हैं, थाना के आगे से जा रही हैं, और मजदूरों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर किसी तरह से थाना पहुंचना पड़ता है या फिर उन्हें चल के जाना पड़ता है मुंबई से। नाके पर, तीन हाथ नाके पर मजदूरों को लेके जाने की व्यवस्था की गई थी, वो बंद कर दी गई है। तो जानकारी मिली है कि एक तरफ थाने पुलिस ने कह दिया है कि हम मुंबई के मजदूरों की जवाबदारी नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ मुंबई के पुलिस ने कह दिया है कि हमारे यहाँ से हम किसी भी मजदूरों के लिए कोई भी बस की व्यवस्था नहीं करेंगे। इस तरह से जो मुंबई में मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर जो महाराष्ट्र के मुंबई में हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यही सरकार है? ये इस तरह से मुंबई और थाना करके मजदूरों से खेल खेला जा रहा है। आज जब हम थाना के तीन हाथ नाका पर गए तो वहाँ पर कोई बस नहीं थी। एसटी ने वहाँ से पूरी बसें बंद कर दी, और जब वहाँ पर ठहरे हुए कुछ मजदूर, जो 15 मजदूरों से हमने बात की। मेरा नाम भिखारी अंसारी है, मैं बैग का काम करता था। काम धाम 2 महीने से लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। हम लोग खाने का तकलीफ है, रहने का तकलीफ, हर चीज़ तकलीफ है। तो अभी हम लोग मालूम पड़ा से बस जा रही है, तो हम लोग थाना आए, थाना से बस जाए तो बस गई एक दो, उसके बाद बंद हो गया। अभी हम लोग को कुछ साधन नहीं है, हम लोग पैदल ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं। थाना तक आप कैसे आए? थाना से टैक्सी से आए। टैक्सी पकड़ के आए? हाँ, टैक्सी पकड़ के आए 2 दिन पहले। तो कितना लगा टैक्सी का? हम लोग 15 आदमी थे, 6000 रुपया लिया। 6000 रुपया? हाँ, 6000 रुपया लिया। अच्छा, किधर से आए? भाई खल्ले से। 6000 रुपया लिया, इधर आए आप। अभी यहाँ से बस नहीं मिल रहा है? बस नहीं मिल रहा, हम लोग परेशान है एकदम। लास्ट में बोला अभी बस बंद कर दिया, जहाँ से आए उधर रिटर्न चले। तो 2 दिन से क्या कर रहे थे आप, कहाँ थे? उधर बोला एक जगह थाना गए तो वहाँ से बोला बस वहाँ से हम लोग को मिली नहीं, तो फिर बोला आगे जाओ बस स्टॉप पे, उधर मिलेगा। वहाँ गए तो उधर ही बस नहीं मिला। फिर उधर बोला से यहाँ से बस बंद हो गई है, आगे और जाओ। वहाँ भी गया तो उधर से पुलिस वाला भगाया, मार्केट से भगा रहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, बस बंद हो गई। एक गिरा तो लग भी गया। अच्छा, तो अभी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, भाई खाले फिर जाएंगे। तो आपको कहाँ जाना था यहाँ पे? हाँ, बिहार जाना था, मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी में। हाँ, मोतिहारी बिहार जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मोतिहारी जिला। ये आप 2 दिन से फिर थाना में कहाँ रहे, कहाँ रुके थे? रोड पे ही रुके। हाँ, रोड पे रुके थे, खाना भी ना मिला, खाए। अच्छा। हाँ, अभी बंद हो गया तो अभी क्या करे, बैठ के कोई मतलब नहीं, तो हम लोग जहाँ से आए उधर ही जा रहे हैं, उधर ही चले जाएंगे घूम घूम के आराम। तो अभी वहाँ पर रहने की जगह है? हाँ, जहाँ काम करते थे वहाँ रहेंगे, उधर क्या करें, वहीं पे रहेंगे। हाँ, काम तो बंद है। हाँ, रोड पर खाना मिलता है, खाएंगे। अच्छा, रहने की है अभी। तो अभी यहाँ ऐसा इतना दूर क्यों जाना चाहते हो, मुंबई में क्यों नहीं रुकना चाहते हो? अभी काम धाम बंद हो गया, अभी हम लोग मजदूरी करते हैं। पगार उगार बंद हो गया, सब हो गया। खाना सेट खिला रहा है, वो भी कोई खिला रहा है, कोई नहीं खिला रहा है, रोड पर खिला रहा है, नाम लिख दिया है, जाओ बाहर खाओ। हम लोग जिसको मिल रहा है खा रहे है, कोई बाहर खा रहा है। कमाने का तो पैसा है नहीं, क्या करे, 2 महीने से बहुत परेशानी है। इसके लिए मालूम पड़ा बस गई और जन चले गए, बाकी बोला बस बंद हो गया। मार रहा क्यों है पुलिस वाला? हम लोग लाइन लगाते हैं, बस पे जाने को बोलता है, गाड़ी बंद हो गया, मारने लगा तो हम लोग भाग गए। क्या करें, तो अभी वापस कैसे लौट के जाओगे? अभी पैदल ही चले जाएंगे, अभी गाड़ी मिल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत पैसा था तो हम बोला अगर मिल जाएगा टैक्सी फ्री तो चले जाएंगे। बाकी मिल नहीं रहा है, ऐसे घूम घूम के चले जाएंगे। तो अभी यहाँ आप, यहाँ पर आप 2 महीने से काम नहीं कर रहे हो, आपके हाथ में भी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आपने गाँव भी नहीं भेजा, गाँव तो में कैसे चल रहे थे? गांव में तो खेती बाड़ी है, थोड़ा दो लोग करके खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम लोग कमाते इधर भेजते तो खाते। हाँ, तो अभी वहाँ पे हालत खराब होगी ना? हाँ, उधर भी हालत खराब है, 2 महीने से कमाया कुछ नहीं, पैसा भेजा नहीं, तो उधर भी दिक्कत है। उधर भी दिक्कत है गाँव में। हाँ, अभी जो बोला हम लोग मरे इधर परेशानी होने से अच्छा से गाँव ही चले जाए, बस बोला फ्री में जा रही है। हाँ, तो हम लोग बोले चलो हम लोग भी चले जाएंगे। हाँ, खेती बाड़ी उधर धान का काम करेंगे, खाएंगे। हाँ,
तो बस मिला नहीं हम लोगों को क्या करें। लेकिन अभी देखो यहाँ पर आप यहाँ से कमाते थे, बेचते थे, वहाँ पर आपके गांव का भी चलता था परिवार का, तो अभी तो आपने कुछ भेजा भी नहीं और अभी आप खुद भी वहाँ चले जाओगे तो वहाँ पर तो परेशानी बढ़ेगी ना। तो ऐसे भी हम लोग परेशान है बहुत, ऐसे भी यहाँ परेशान है, 2 महीने से काम धंधा है ही नहीं। अब अल्लाह से बोल रहे सेठ लोग, अभी पैसा है नहीं, जाओ अपना जिसको जहाँ जाना है जाओ, क्या करेगा। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं क्या, वो नहीं लेगा करके बोल रहे हैं। और वहाँ बोल रहा है जहाँ वहीं रहो, और कुछ मंगाया है, कुछ को मंगाया है, बाकी बोल रहा है तुम लोग उधर ही रहो, ट्रेन खुलेगा तो आना। ट्रेन तो बोलता है कभी हफ्ते में एक बार खुला, कभी नहीं खुला। आपने ट्रेन में जाने का कोशिश किया क्या? क्या क्या किया आपने? फॉर्म भर के पूरा 20 दिन से रखा है, पूरा नाम उम आ गया, बोलता है आज ट्रेन जाएगा, कल जाएगा, ट्रेन जाती नहीं है, पूरा लीट है हम लोग के साथ। 1400 आदमी का लीट है, 1400-1500 का, बाकी ट्रेन नहीं गई। अब जहाँ खड़े तो मैं बोला अभी 10 दिन और रुकना पड़ेगा। तो मान लो पड़ा 5 जा रहा था, हम लोग बोले 10 दिन क्या खाए को रुकेंगे, 5 जा रहे चलो उसे चले जाएंगे। बस मिली नहीं, जिसको मिला वो चला गया। उसके बाद बोला अभी बस बंद हो गया। अभी तो बैग लोग खरीदेगा भी कम ना, पैसा नहीं है तो। हाँ तो कहाँ से खरीदेगा, अभी जो जिसके सेठ के पास काम करते थे थोड़ा पैसा था, माल बना बना के रख दिया, पैसा फंस गया। हाँ। वो भी लाया कहाँ से। हाँ मसला यही है, काम धंधा बंद है तो सारा हर आदमी परेशान है। और किसी को बोलना है आपको? सरकार को कोई चिंता ही नहीं, हम लोग आगे 4-5 दिनों से फंस गए। नीतीश कुमार बोल रहे हमको कोई बिहारी मजदूर चाहिए ही नहीं, हम लोग जाए तो जाए कहाँ, सरकार का कोई ख्याल ही नहीं। हम लोग इधर बहुत परेशान है, खाना भी नहीं मिलता रोड पे, कोई देता है, उसके बाद कोई खाने का ठीक न, कुछ भी का ठीक न, पानी मिलता है। हम लोग इधर आगे फंस गए, अभी जाएंगे कैसे सोच रहा, जेब में पैसा भी नहीं है कि जाए। नाम क्या है आपका? परवेज आलम। अच्छा, आपका लड़का है। हम लोग बहुत परेशान है, जहाँ काम करते थे वहाँ बोला कारखाने वाले सेठ, बोला कि अपने अपने गांव चल जाओ, मेरे पास था नहीं कुछ खिलाने का, जो भी था खिलाया, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, अपने अपने गांव निकल जाओ। बस चल रहा था तो हम लोग परसों आए, हमको क्या मालूम था कि इधर आने के बाद ही फंस जाएंगे, इधर आके फंस गया। अभी खत्म हो गया। और कुछ बोलना है?